करीब 30 लाख से ज्यादा बच्चों की 2015 में कुपोषण के कारण मृत्यु हुई थी। विश्व के कुपोषित बच्चों के एक तिहाई से अधिक बच्चे भारत में ही रहते हैं। भारत में करीब 45% 5 साल से कम आयु के बच्चे अपनी उम्र से कम वजन के हैं और इन्हीं में से 70% से ज्यादा बच्चों में खून की कमी भी पाई जाती है। हमारे बिहार में आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और कुपोषण के कारण से ही इन छोटे बच्चों की मृत्यु भी होती है। कुपोषण का एक अहम कारण है खाने में विभिन्नता ना होना। केवल 8% के 6 से 23 महीने के बच्चों को पोषण युक्त खाना मिल पाता है, क्योंकि अक्सर माताओं को उनके बच्चों के लिए जरूरी सही पोषण युक्त खाने की जानकारी नहीं रहती। तो आइए आज हम आहार विभिन्नता और पोषण युक्त खाने के बारे में चर्चा करें और अपने बच्चों में कुपोषण को मिटाएं। रेनू दीदी हैं घर पर। अरे सुमन, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, परेशान तो हूँ। बच्चा का वजन जो तेजी से घट रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी दीदी से मिलने आई हूँ। हाँ तू चिंता नहीं करा, वो आंगनबाड़ी जाला तैयार हो, रुकना, तब तक तू थोड़ा सा आराम से यहाँ बैठ रहा। अरे ओ रेनू दीदी, बाहर आइए, आपसे सुमन मिलने आई है। बस आ रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। अच्छा सुमन, बच्चा के आंगनबाड़ी ले गए? हाँ गए थे 2-4 महीना पहले, कल जाएंगे टीका करवाने के लिए। सुमन बाबू के कौची कौची खिलावा हो? इसकी दादी जो कहती है वही तो खिलाते हैं, दाल चावल खिचड़ी और बिस्कुट ही तो खाता है। नहीं सुमन, खाली ये सब नहीं। सुमन ये सब खिलाओगे तो सिर्फ नहीं होगा। अरे रेनू दीदी आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना तुम दोनों की बात, तो बताइए क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। अच्छा तू आ ही गेलो अब तक, चला आंगनवाड़ी पर वही चीज पर आज चर्चा कर भी। ठीक है को कंचन, हम आवा आंगनवाड़ी से देख ले। ठीक है को जा। प्रणाम। आज के बैठक के विषय में पता है को ना? हाँ दीदी पता है। हाँ छोटा छोटा बच्चा के खान पान पर चर्चा कर लेते। हम बताओ तो अपन बचवा के कोची कोची खाइला दे हो? मैं अपनी बेटी को दाल चावल खिचड़ी और रोटी सब्जी और चाय बिस्किट सब चीज खिलाते। हम अपन बवा के डिब्बा वाला दूध पिलावाइए और कभी दाल भात खिचड़ी भी पका के खिला दे। अच्छा दीदी तू बताओ, तू कोची कोची खिलावा बउआ के? घर ने खाना बनवे जे है बउआ के खिलावे दीदी। अच्छा दीदी तू अपन बचवा के कोची खिलावा? दीदी हम तो अपन बचवा के खिचड़ी दलिया खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन खाना में बहुत दिक्कत करता है। देखो दीदी अपन बचवा के दाल चावल खिचड़ी तो दे हो, इससे बच्चा को भूख तो मिट जाता है, लेकिन संपूर्ण विकास के लिए उनके लिए ये खाना काफी नहीं। ऊपर से रोज उनको एक ही तरह का खाना खाने से मन भर जाता है और वो खाना खाने में दिक्कत करता है, तो इनके विकास के लिए रोज पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। अच्छा क्या पौष्टिक आहार दीदी? रुकिए अभी आप लोग को दिखाते हैं। कल जो परमिला दीदी बताए थे आपको खाना के लाने के लिए लेकर आए हैं? हाँ दीदी रखा है, अभी लेके आते। हाँ तो इतना सामान लेकर के आया हूँ दीदी। ठीक है। देखिए दीदी बढ़ते बच्चों के संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास जन्म से 2 साल तक बहुत तेजी से होता है और इस विकास के लिए उनको पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनके खाने में कम से कम 4 साधारण खाद्य समूह शामिल करना जरूरी है। एक खाद्य समूह क्या होता है? हमारे समूह के बारे में पहले से जानकारी नहीं है दीदी।
खाद्य समूह उन खाद्य पदार्थों का संग्रह है जिनका पोषण गुण समान है, जैसे दाल का समूह, अनाज का समूह आदि। ऐसे तो सामान्य 7 समूह होते हैं और हमें अपने खाने में 7 खाद्य समूह शामिल करना चाहिए। और छोटे बच्चे के खाने में 4 खाद्य समूह शामिल करना जरूरी है। अच्छा, क्या क्या दीदी? बच्चों के विकास के लिए खाने में ये सब चीज शामिल करना बहुत जरूरी है। देखिए दीदी, पहला समूह अनाज का समूह होता है, जिससे बच्चे के शरीर को ताकत मिलता है और दिमाग भी तेज होता है। आप अनाज में बच्चों को देखिए, चावल, गेहूं या मक्का का रोटी आदि दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा खाद्य समूह क्या है दीदी? हाँ, बताते हैं। दूसरा समूह में आता है दाल और फलियों का परिवार। देखिए दीदी, जैसे मसूर दाल, राहर दाल, मूंग दाल, राजमा, चना दाल, मटर, सोयाबीन, लोबिया, छोले आदि दे सकते हैं। इन सब चीजों से बच्चों के शरीर के मांसपेशी का सही तरीके से वृद्धि होता है। हाँ, लेकिन याद रहे, दाल का पानी नहीं, गाढ़ा दाल पिलाना है, नहीं तो बच्चों का जल्दी पेट भर जाएगा और उनका पोषण भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा दीदी, आज से हम अपने मुन्ने को दाल का पानी नहीं पिलाएंगे, गाढ़ा ही पिलाएंगे। ठीक समझे दीदी। अच्छा, अब तीसरा समूह हरे पत्तेदार साग सब्जी का समूह है। हमारे घर के आस पास इतने प्रकार के साग होते हैं, जैसे सहजन का साग, सरसों का साग, पालक, लाल साग आदि। चौथा समूह है दीदी, रंगीन फल सब्जी का समूह। और ये रंग बिरंगे फल सब्जी क्या होते हैं? देखो दीदी, हमें बच्चे को हर तरह के फल सब्जी देना चाहिए, लेकिन लाल, पीली या नारंगी फल सब्जी में कुछ अलग ही पोषण होता है। और क्या दीदी? लाल, पीली, नारंगी फल सब्जी जैसे केला, पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, चुकंदर आदि। साथ में खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी आदि से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और वे कम बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। साथ में उनकी आंखों को भी ताकत मिलता है। अरे वाह दीदी, पांचवा समूह बता दीजिए। और पांचवा समूह है मांस मछली का समूह है। मांस मछली दीदी, इतने छोटे बच्चों को मांस मछली देंगे तो खाएगा कैसे दीदी? अरे दीदी, बच्चों को मीट देने से उनके शरीर के मांसपेशी की वृद्धि होती है और साथ में उनको आयरन भी मिलता है, जिससे हमारे शरीर में खून भी बनता है और इससे बच्चों की हड्डी भी बढ़ती है। अगर मांस मच्छी दे रहे हैं तो अच्छे से मसल के दीजिएगा। आप मुन्ने को अंडा भी मसल कर दे सकते हैं। लेकिन हम तो शाकाहारी हैं दीदी। आप बच्चे को शाकाहारी भोजन में ये सब दे सकते हैं। अच्छा दीदी। आखिरी सातवां समूह है दूध और दूध से बने हुए चीजों का समूह। इसमें आप मुन्ने को दही, मक्खन, पनीर, खोया आदि दे सकते हैं। इससे उसकी हड्डी तो मजबूत होगी, साथ में ताकत भी मिलेगा। हाँ दीदी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, ये सब तो हमें पहले से पता नहीं था। याद रहे दीदी, बच्चों को इन समूह में से दिन के हर आहार में कम से कम 4 खाद्य समूह शामिल करना चाहिए। साथ में घी या तेल मिलाने से बच्चे ताकत भी मिलता है और खाने में आयोडीन, नमक का ही उपयोग करें ताकि उनका मानसिक विकास भी तेजी से हो।
अरे सेवका दीदी, आप जो बात बताए हो बहुत तो लाभदायक लग रहा है। हाँ दीदी, अब मैं तो अपने मुन्ने को सारे समोसे ही खाना खिलाऊंगी, तभी तो मेरा मुन्ना तंदुरुस्त और दिमाग से भी तेज होगा। हाँ दीदी, ये सब चीजें तो आसानी से हमारे गांव में साथ मिलती हैं। और कुछ फल सब्जी हम अपने घर में भी तो उगा सकते हैं, इसको हम किचन गार्डन भी कहते हैं। तो आपके पैसे की भी बचत होगी और बाबू भी तंदुरुस्त होगा। ठीक है दीदी, बस ये ध्यान रहे दीदी कि आपका मुन्ना बढ़ रहा है, इसलिए इसको बहुत धीरज के साथ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो इसको खाने का इच्छा नहीं होगा। और रोज कोशिश करें कि एक नया चीज खिलाएं, ताकि आप भी पसंद और नापसंद उसका जान सकें, और जब वो बड़ा होगा तो ज्यादा चीजों में उसकी रुचि रहेगी। ठीक है दीदी। और एक बात दीदी, बच्चे को ये सब खाने के साथ साथ 2 साल तक अपना दूध भी देना है, और कितनी बार खाना खिलाना है ये तो आपको पहले से भी पता है। और ध्यान रहे जब आपका बच्चा बीमार हो ज्यादा खाना खिलाए, कम नहीं। और एक आखिरी बात जरूरी दीदी, खाना बनाने और खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोना है। और एक बात और दीदी, साग सब्जी को अच्छे से धोकर रखें और साफ बर्तन में खाना पका कर रखें। हाँ दीदी, अब से अपने मुन्ने को ऐसा ही खाना खिलाएंगे जैसा आप बोले थे। हाँ दीदी, हम भी और हमारा मुन्ना भी तंदुरुस्त होगा। एकदम सही दीदी, आप जो मैंने आप लोगों को बताया वो जरूर अपनाइएगा, और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोग बहुत धन्यवाद। जन जन तक संदेश पहुँचाए, कुपोषण दूर भगाए। जन जन तक संदेश पहुँचाए, कुपोषण दूर भगाए। 7 बीमा से दूध के अलावा उपरी आहार खिलाए। ओ दीदी भूल न जाना खिचड़ी खूब खिलाना। ओ दीदी भूल न जाना दलिया खिचड़ी खूब खिलाना। खिचड़ी खिलाना दलिया खिलाना, खिलाना हरी पत्तेदार सब्जी। खिचड़ी खिलाना दलिया खिलाना, खिलाना हरी पत्तेदार सब्जी। अंडा खिलाना मछली खिलाना, 2 साल तक स्तन पान भी कराना। ओ दीदी भूल न जाना दलिया खिचड़ी खूब खिलाना। ओ दीदी भूल न जाना दलिया खिचड़ी खूब खिलाना। दूध पिलाना संतरा खिलाना, खिलाना केला चुकंदर। दूध पिलाना संतरा खिलाना, खिलाना केला चुकंदर। ओ दीदी भूल न जाना कद्दू टमाटर खूब खिलाना। ओ दीदी भूल न जाना टमाटर खूब खिलाना। जन जन तक संदेश पहुँचाए, कुपोषण दूर भगाए। 7 बीमा से दूध के अलावा उपरी आहार खिलाए। ओ दीदी भूल न जाना दलिया खिचड़ी खूब खिलाना। ओ दीदी।